भक्त कैसा और ये भगवान कैसा। मैंने प्रभु का इतना ज्यादा तपस्या किया है, फिर भी यदि मेरी भक्ति प्रभु को नजर नहीं आती है तो वे भगवान कहलाने के लायक नहीं है। इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते वे वापस लौट रहे थे। उसी समय एक बालक हाथीराम बाबा जी के रास्ते में आकर बाबा जी से सवाल करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो बाबा जी नाराज में ही जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं इतने दूर से आकर यहाँ पर प्रभु के दर्शन के प्रयास में था। सालों तक मैंने तपस्या की, परंतु बावजूद इसके मुझे प्रभु का दर्शन नहीं मिला। तो मैं मानता हूँ जो भगवान इतनी कड़ी तपस्या के बावजूद अपने भक्तों को दर्शन न दे वह कैसा भगवान, और मैं कैसा भक्त जो इतने वर्षों से इसकी तपस्या में लीन रहा। उसी समय बालक कहते हैं कि जरा रुकिए, आपको केवल दर्शन चाहिए ना। तो बाबा जी बोलते हैं हाँ मुझे प्रभु के दर्शन चाहिए। यह सुनते ही वह बालक वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इस अद्भुत दृश्य को अपने आंखों के सामने देखकर बाबा जी धन्य हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं हे हाथीराम, मैं तुम्हारे तपस्या से संतोष हुआ हूँ, तुम जो भी चाहो वरदान के रूप में मांग सकते हो। तो बाबा जी बड़े ही संतोष होकर कहते हैं हे प्रभु, यदि मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जब भी मैं आपको याद करूं, मैं आपको जब भी पुकारूं तो आप मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाओगे, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो भगवान वेंकटेश्वर यानी कि भगवान विष्णु बाबा जी द्वारा मांगे वरदान को स्वीकार कर दे देते हैं। वरदान मिलने के पश्चात भी हाथीराम बाबा जी प्रभु के सामने एक हट करते हैं। वे प्रभु को बताते हैं कि आपने मुझे बालक के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए मैं आपको वेंकटेश्वर नहीं बल्कि बालाजी कहकर पुकारूंगा। तभी से पूरे भारत वर्ष में प्रभु को तिरुपति बालाजी कहकर पुकारा जाता है। जब पहली बार वरदान मिलने के पश्चात हाथीराम बाबा जी ने प्रभु को याद किया था वह श्रावण नवमी का दिन था, जिस दिन भगवान विष्णु ने हाथीराम बाबा जी को दर्शन दिया था। इसी कारणवश पूरे भारतवर्ष में गौर बंजारा समाज के लोग बालाजी के नाम पर हाथ में कोड़ी सुपारी लेकर भोग चढ़ाते हैं, और ये जो बंजारों की भोग चढ़ाने की प्रथा है वह प्राचीन समय काल से ही तिरुपति बालाजी मंदिर में चलती आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाथीराम बाबा जी के मठ की तरफ से तिरुपति बालाजी मंदिर में बंजारों का भोग सबसे पहला चढ़ता है। हमारे तिरुपति मंदिर में पहला प्रसाद बंजारा समुदाय से होता है। पहला प्रसाद जो चढ़ता है, पहली पूजा बंजारा कम्युनिटी की। हाथीराम करके वहाँ महाराज जी थे, हाथीराम आश्रम है, वह हाथीराम महाराज के आश्रम से पहली पूजा तिरुपति बालाजी में होती है। इसके अलावा आपको और एक सच्चाई बतानी जरूरी है, हाथीराम बाबा जी एक गौर समाज से नाता रखते हैं। केवल इसी के कारण कहा जा रहा है कि वहां की सरकार ने हाथीराम बाबा जी के मठ को सभी तरह के मदद करना बंद कर दिया है। मठ को जो भी अनुदान जाने चाहिए थे सभी में रुकावट पैदा कर रही है। सरकार के इस तरह के घटिया कामों को देखकर हमें तो यही लगता है कि गौर समाज से भगवान विष्णु का वे परम भक्त थे, केवल इसीलिए वे परेशान हैं। मेरा ये मानना है हाथीराम बाबा जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए बाबा जी स्वयं भी भगवान हैं, और भगवान केवल एक समाज का नहीं बल्कि हर समाज का होता है। लेकिन TTD वाले हाथीराम बाबा जी एक गौर समाज से नाता रखते हैं, केवल इसी के कारण आजकल हमें सुनने को मिल रहा है बाबा जी के मठ के लिए कोई काम के परमिशन नहीं दे रहे TTD वाले। मैं तो कहता हूँ बहुत ही घटिया सोच है। दोस्तों वैसे हम इस वीडियो का दूसरा भाग भी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हाथीराम बाबा जी ठीक है, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं फिर से इस एपिसोड के दूसरे भाग में, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, बाय बाय, और जय सेवालाल। वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, फैलाना, चाहे तो दोबारा रीअपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बाय, जय सेवालाल।